याद रखना, ईद हमेशा मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। अगले साल भी सलमान खान करेंगे ईद पर बड़ा धमाका। फाइनली ऋतिक और टाइगर की फिल्म वॉर का ट्रेलर हो गया रिलीज। इस 5 सीन ने ट्रेलर में मचा डाली तबाही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। आज किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए ईद रिलीज बहुत बड़ी रिलीज मानी जाती है और उसकी पूरी क्रेडिट मिलती है सलमान खान को। जब से सलमान खान ने ईद पर फिल्में रिलीज करना शुरू कर दिया है, तब से बॉलीवुड के लिए ईद रिलीज एक बहुत बड़ी रिलीज डेट बन गई है। और कल जब सलमान खान ने ट्वीट करके कहा कि इंशाल्लाह को हम लोग पुश कर रहे हैं, ये फिल्मों को अब डिले किया जा रहा है, तब से सोशल मीडिया पर कई सारी अटकलें आना शुरू हो गई थी। और फिर सुबह संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन में से भी एक बहुत बड़ी खबर आई कि इंशाल्लाह फिल्म अभी नहीं बन रही और उसको लेकर जल्दी ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। और फिर कंफर्म हो गया था कि सलमान खान अब ईद पर नहीं आएंगे। और इसके बाद तुरंत ही अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को ईद पर अनाउंस कर दी। लेकिन अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब को अनाउंस करने के बाद सलमान खान ने फिर से ईद पर अपना कब्जा जमा लिया, और वो भी एक दमदार फिल्म को अनाउंस करके। जब वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि सलमान खान की सुपर हिट फिल्म किक की सीक्वल किक 2 होगी। जो आपने बिल्कुल सही सुना, सलमान खान ने कहा कि मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ और ईद पर भी। यानी कि किक 2 फिल्म रिलीज होने वाली है ईद 2020 में, और ये न्यूज एकदम कंफर्म है और उसका अनाउंस खुद सलमान खान ने किया है। तो बस इंतजार कीजिए, आ रहा है डेविल, इंशाल्लाह फिल्म नहीं तो क्या किक 2। लेकिन अगले साल ईद पर सलमान खान का ही जलवा रहने वाला है। बात करें किक 2 फिल्म की, तो ये फिल्मों में हमें जैकलिन फर्नांडीज ही नजर आएगी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्मों में एक और भी हीरोइन नजर आ सकती है, और ये फिल्मों को डायरेक्शन साजिद नडियाडवाला ही देने वाले हैं। अभी फिल्मों में क्या क्या नया होगा उसको लेकर अभी इतनी अपडेट नहीं आई, लेकिन अगले साल ईद पर सलमान खान किक 2 को लेकर आने वाले है, ये न्यूज एकदम कन्फर्म है। फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर, वो हमें कमेंट करें। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जो पिछले काफी समय से टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के फैंस इंतजार कर रहे थे। जी, वॉर फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर इतना जबरदस्त है कि अभी तक आपने बॉलीवुड में ऐसी एक्शन फिल्म कभी नहीं देखी होगी। यह ट्रेलर में एक अलग ही लेवल का एक्शन दिखाया गया है और मार धार से भरपूर ये ट्रेलर हर किसी को पसंद आने वाला है। जिस तरह से टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन ने ये फिल्म में एक्शन किया है, वो वाकई जबरदस्त एक्शन सीन है। वैसे ओवरऑल ट्रेलर तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये 5 सीन जिसको दर्शक ने सबसे ज्यादा पसंद किया। सबसे पहले कबीर यानी कि ऋतिक रोशन की एंट्री। जब ऋतिक रोशन की ट्रेलर में एंट्री होती है, तब ऋतिक रोशन जिस तरह से एक्शन करते हैं, उस सीन पर थिएटर में जरूर तालियां और सिटियां बजने वाली है। दूसरी खालिद यानी कि टाइगर श्रॉफ की एंट्री। ये अगर कबीर की एंट्री जबरदस्त है, तो खालिद की एंट्री भी कोई कम नहीं। जब मशीन गन के साथ टाइगर श्रॉफ की एंट्री उनकी फिल्मों में से अब तक की सबसे बेस्ट एंट्री है, और ट्रेलर में तो टाइगर श्रॉफ की एंट्री ने तबाही मचा डाली है। और तीसरा सबसे बेस्ट कबीर और खालिद की चेसिंग। जब कबीर को पकड़ने के लिए खालिद को हायर किया जाता है, तब दोनों के बीच जो बाइक चेसिंग होती है, और इसके अलावा भी कई सारे एक्शन सीन होते हैं, वो आज तक आपने बॉलीवुड की किसी फिल्मों में नहीं देखे होंगे। क्योंकि एक सेकंड के लिए तो आप भूल ही जाओगे कि ये बॉलीवुड की फिल्म है। इतनी जबरदस्त इन दोनों के बीच चेसिंग दिखाई गई है और एक्शन तो एक अलग ही लेवल के है। चौथा, वाणी का हॉट अवतार। जी, अगर कबीर और खालिद ने ये फिल्म में जबरदस्त एक्शन किए हैं, तो वाणी कपूर भी किसी से कम नहीं। जब वाणी कपूर का हॉट अवतार भी दर्शक को काफी पसंद आ रहा है, और आपको भी ट्रेलर में वाणी कपूर का हॉट अवतार जरूर पसंद आएगा। और पांचवा, फिल्म के डायलॉग। जब फिल्म के डायलॉग भी जबरदस्त है, और वो लास्ट में जब ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ को कहते हैं कि खालिद मेरा ही स्टूडेंट है और आज उसको लगता है कि वो टीचर से आगे निकल गया, वो डायलॉग भी काफी जबरदस्त है। ओवरऑल ट्रेलर तो बहुत ही बढ़िया है। आपने अभी तक देखा, आपको कैसा लगा ट्रेलर, और आपको ट्रेलर का सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफ स्टार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।